एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो होने वाला है अमेज़न से ह्यूज कलेक्शन। और अमेज़न पे स्टार्ट हो रही है सेल जो कि है 6 to 9 अगस्त। ये वाली बहुत ही बड़ी सेल है, इसमें आपको अप टू 70% तक ऑफ देखने को मिल रहा है सभी ब्रांड्स पे। तो इस सेल में अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि फेस्टिवल है जो लाइनअप है। तो अगर आप फेस्टिवल के लिए कुछ भी आउटफिट, ड्रेसेस, फुटवेयर कुछ भी परचेज करना चाहते हो डेफिनेटली पिक कर सकते हो। और आज का कंप्लीट कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसमें आपको साड़ी, इंडो वेस्टर्न, ड्रेस, एक्सेसरीज सब कुछ मिक्स में देखने को मिलेंगे। प्लस जो है कुछ कंप्लीट लुक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप इन आज के कलेक्शन में से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर के नाम से। जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और आज का पूरा कलेक्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से ईजिली बाय कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी डे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साड़ी से। और अगर आप इस फेस्टिवल में साड़ी वाले लुक ट्राई करना चाहते हो, साड़ी को स्टाइल करना चाहते हो, तो आज मैं आपके लिए दो साड़ी के ऑप्शन लेके आई हूँ अमेज़न से। फर्स्ट जो साड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्काई ब्लू कलर की साड़ी है। पैकेजिंग आप देख सकते हो इस तरीके के जिप कवर में आपको ये देखने को मिलेगी। कंप्लीट लुक पूरा आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। कलर बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी है फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा सा कलर है। कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरी जो साड़ी है ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना इसके ब्लाउज से करते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें टफेटा सिल्क का स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज दिया हुआ है। ये पूरी साड़ी है जो एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस पूरे पे सिल्वर सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। कुछ इस तरीके का आपको ब्लाउज का फ्रंट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो कितना प्यारा है। क्वालिटी आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी की, सीक्वेंस की बहुत अच्छी है। पिक्चर में दिया है, आप वैसे भी इसे स्टिच करा सकते हैं। 90 सेंटीमीटर का है, एक्स्ट्रा डबल एक्सरसाइज में ईजिली आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी पूरी ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में है और कुछ इस तरीके का आपको इसमें बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। पूरी साड़ी प्लेन है, ओनली बॉर्डर है। बॉर्डर आप देख सकते हो बहुत प्यारा है, एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस सिल्वर सीक्वेंस लगाए हुए हैं। क्वालिटी आपको क्लियर हो रही होगी, वर्क की क्वालिटी क्लियर हो रही होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एलिगेंट सी साड़ी है, प्रॉपर लुक आप साइड में देखना। और ऐसी साड़ी है आप इसे इजीली कैसे भी फेस्टिवल में, कैसे भी फंक्शन में पहन सकते हैं। एक तो कभी भी इसका फैशन आउट नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और लाइट वेट है। तो पूरी आपको 5.5 मीटर की इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कलर बहुत ज़्यादा प्रीटी है और ये है इसका आँचल। आँचल पर आपको सेम चारों तरफ लेस देखने को मिल जाएगी। तो ये है जो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपके लिए इस फेस्टिवल के लिए लेके आई हूँ। अगर आप इस साड़ी को इस फेस्टिवल में ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब जो नेक्स्ट मैं साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस की साड़ी इस फेस्टिवल के लिए, प्लस बहुत ही ज़्यादा डिजाइनर है। रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी अमेज़ॉन पर, तो मैंने परचेज कर ली। कुछ इस तरीके की आपको बिल्कुल नेट में साड़ी देखने को मिल जाएगी। कलर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रीटी है। इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिलेगी। और स्टार्ट करते हैं आँचल से। कुछ इस तरीके का इसमें आँचल दिया हुआ है। पहले तो आप प्रॉपर इसकी बॉर्डर देख लो, लेस देख लो, सिल्वर लेस, फिर ग्रीन लेस, और फिर इसके बाद आपको फ्रिल्स वाली लेस देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर हो गया इसका। पूरी साड़ी आपको नेट फैब्रिक में देखने को मिलेगी। नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोनो नेट इसमें यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड पूरे पे आप वर्क देख रहे हो ना, ये पूरा फॉयल वाला वर्क है। फॉयल वाले मिरर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, रियल मिरर्स नहीं हैं। तो इस तरीके की आपको पूरे में वर्क देखने को मिल जाएगा। एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि फॉयल मिरर है, दूसरा है नेट फैब्रिक है, तो काफ़ी लाइट वेट है। कलर भी बहुत प्यारा है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, काफ़ी अच्छा आएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट साड़ी है, तो डेफिनेटली इस फेस्टिवल आप इस साड़ी को भी ट्राई कर सकते हो। एंड कुछ इस तरीके की आपको पूरी 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी। बस इतना सा जो पार्ट है वो प्लेन मिलेगा, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। ब्लाउज इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है, टफेटा सिल्क का। की साड़ी है जो काफ़ी हैवी
की है। ब्लाउज में आपको ओनली बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि आपके स्लीव्स पे आएगा। 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में इजीली आ जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी का ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फेस्टिवल में अगर आपको एक बजट फ्रेंडली साड़ी लेना चाहते हैं, वो भी डिजाइनर हो, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट पीस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है पूरा एक कंप्लीट लुक, लाइक कुछ इस तरीके की आपको इसमें पूरा कंप्लीट लुक देखने को मिल जाएगा। और ये सब मैंने अलग अलग परचेज किए हैं कलर कॉम्बिनेशन सेट करके, तो फुल कंप्लीट लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा। एंड काफ़ी अच्छा लुक है ये वाला, एंड दिवाली के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये वाला लुक, एंड काफ़ी ज़्यादा रिच लुक है ये वाला, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना ब्लाउज से। फ्रंट है, ब्लाउज है वो है फ्रॉम दी ब्रांड इंडिया से, एंड ब्लाउज कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। मैंने ट्राई किया है पूरा कंप्लीट लुक हो, वो बिल्कुल लाइट कलर में हो, प्लस इसका दुपट्टा डार्क कलर में हो, बीच कलर के साथ मरून का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर सा इंडिया का एक क्रॉप टॉप है, एंड आप इसे एज अ क्रॉप टॉप स्टाइल कर सकते हैं, एज अ ब्लाउज साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही आपके यूज में आ जाएगा। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। वी नेक इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस पर्ल की डिटेलिंग है। पूरा जो ब्लाउज है ना, इस पर सिक्वेंस लगाए हुए हैं, नेट का फैब्रिक कुछ यूज़ किया है ऊपर से, अंदर सिल्क का फैब्रिक है। स्लीव्स भी आपको हैवी देखने को मिल जाती है, स्लीव्स पे भी आपको प्रॉपर जो है लेस देखने को मिल जाएगी सेम। बैक आपको पूरा प्लेन देखने को मिलेगा सिल्क का। जितने भी इंडिया के क्रॉप टॉप या ब्लाउज होते हैं उनमें साइड में चेन आती है, जिप आती है, जिससे वो अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। ये पैडेड नहीं है, विदाउट पैड है, अंदर की साइड प्रॉपर सिल्क की लाइनिंग लगाई हुई है, काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने के बाद। और साइज है जो मेरा इसमें है वे स्मॉल साइज, इसमें आपको सारे साइज मिल रहे हैं, आप अपने ऑलरेडी परचेज कर सकते हो। ये एक ऐसा ब्लाउज एंड क्रॉप टॉप है, साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई सी भी आप डार्क कलर की साड़ी के साथ इसे स्टाइल कर लो, आपके वार्डरोब में ये होना चाहिए। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट एंड रिच लुक लग रहा था इसका, तो मैंने ये पिक कर लिया। प्लस मैं चाहती थी मैं इसे स्टाइल करूँ स्कर्ट के साथ, तो वहाँ पर जब मैंने इंडिया पर देखा तो मुझे प्रॉपर कुछ इसी टाइप में स्कर्ट भी मिल गई। तो लुक एट दिस ना, इसके साथ इसे स्टाइल करने पे लुक काफ़ी अच्छा आएगा। आपको स्कर्ट देखने को मिलेगी, साइज है मेरा इसमें मीडियम, यहाँ पे आपको साइड में जिप दी हुई है, प्लस प्रॉपर यहाँ पे आपको हुक देखने को मिल जाएगा जिसे आप बंद कर सकते हैं, एंड पूरे पे आपको एक गोल्डन वाला प्रिंट देखने को मिल जाएगा, फॉयल प्रिंट। फुल लुक एक बार आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा, अंदर प्रॉपर आपको सिल्क की लाइनिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, सिल्क का फैब्रिक है, स्कर्ट का फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना कितना प्यारा आता है। तो इस तरीके की आपको ये वाली स्कर्ट देखने को मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और इसके साथ फिर मैंने सोचा स्टाइल करते हैं इसे डार्क कलर के दुपट्टे के साथ, तो थोड़ा रिच लुक के लिए मैंने ट्राई किया वेलवेट दुपट्टा, क्योंकि शिफॉन वगैरह या फिर जॉर्जेट के दुपट्टे थोड़े सिल्क के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि सिल्क अपने आप में एक रिच फैब्रिक है। तो मैंने उसे स्टाइल किया अगेन एक रिच फैब्रिक के साथ जो कि है वेलवेट फैब्रिक, और मुझे अमेजोन पे ये वेलवेट दुपट्टा मिल भी गया मरून कलर का, और पूरा बहुत ही प्यारा सा एक रिच लुक दुपट्टा है, एलिगेंट है, प्रॉपर आपको वेलवेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर इस तरीके के गोल्डन कलर के ये हैं जो गोटे का काम किया हुआ है, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, बस बीच बीच में आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, 2.25 मीटर का दुपट्टा है। तो बेज के साथ मरून का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस सिल्क के साथ वेलवेट काफ़ी अच्छे से जा रहा है। तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो, किसी भी फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा रिच लुक आएगा, या फिर आपके घर में मैरिज है ना, कोई भी फंक्शन है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी इंगेजमेंट है तो भी ट्राई कर सकते हो। आप इसे ट्राई कर सकते हैं एक बहुत ही प्यारी सी पर्ल नेकलेस के साथ और इयर रिंग्स के साथ। मैंने अमेजोन पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, तब मुझे फाइनली वहाँ पर मिल भी गया एक जो कि इस लुक के साथ परफेक्ट रहता, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैंने अभी उसे ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ही आएगा मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूं। तो आप इस लुक में उसे ट्राई कर सकते हैं, एक तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, या फिर आपके पास कोई और पर्ल ज्वेलरी हो उसके साथ भी उसे स्टाइल कर सकता है, चोकर के साथ ये काफ़ी अच्छे से जाएगा। यहाँ पे मुझे ये क्लच दिखा जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा प्रॉपर लुक को। तो ये पूरा आपको पर्ल में क्लच देखने को मिलेगा, क्वालिटी तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी प्यारी है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी,
पर्ल में वहाँ पे आपको स्लिंग बैग भी अवेलेबल है, हैंड बैग भी अवेलेबल है, लेकिन क्लच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये क्लच इसके साथ भी अच्छा लगेगा, प्लस वेस्टर्न के साथ भी काफ़ी अच्छे से जाएगा और किसी साड़ी वगैरह के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का इसमें लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रॉपर अंदर जिप देखने को मिल जाती है, जिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंदर प्रॉपर आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, कॉटन की लाइनिंग लगाई हुई है, प्लस अंदर एक और जिप देखने को मिल जाएगी छोटी वाली जिसमें आप कॉइन वगैरह रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला क्लच, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, रिच है, तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो आप इस फेस्टिवल इस कंप्लीट लुक को ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने पिक किया है वो है इंडिया का ये वाला ट्यूनिक। ये आपको मस्टर्ड कलर में हाई लो पैटर्न में ट्यूनिक देखने को मिलेगा। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना। स्ट्रैपी शोल्डर है और ये अभी इंडिया पे बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये अच्छा ट्यूनिक है ये वाला। इसमें आपको स्ट्रैपी शोल्डर देखने को मिल जाता है जिन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश है। बैक में आपको जिप देखने को मिल जाएगी, पूरे में आपको फॉयल प्रिंट देखने को मिल जाएगा एंड कुछ इस तरीके की इसकी फ्रंट एंड बैक है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, काफ़ी अच्छा आएगा। हाई लो पैटर्न है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। प्रॉपर अंडर सिल्क की लाइनिंग अटैच है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं गोल्डन और बेज पैंट के साथ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा और इस फेस्टिवल से ट्राई कर सकते हैं। अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है ये वाला। साइज है मेरा इसमें स्मॉल, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना है अमेजोन पे सब अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसका फैब्रिक भी सिल्क फैब्रिक है, तो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने लिया वो ना कोई एक्सेसरीज है ना कोई आउटफिट है, जस्ट आपने देखा होगा मेरे पास काफ़ी सारी वॉच है और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि इन वॉच को एडजस्ट कैसे करूं, कहां पे मैनेज करूं। अलग अलग वॉच में मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो फाइनली मैंने ले लिया है एक वॉच ऑर्गेनाइजर, मैंने अभी छोटा वाला लिया है, इसमें आपको बड़ा वाला भी मिल जाएगा। मैं अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा यही वाले दो ले लूँगी या फिर ये वाले थ्री ले लूँगी, वो बॉक्स मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था स्क्वायर शेप वाला। इस तरीके का आपको एक वॉच ऑर्गेनाइजर देखने को मिल जाएगा। मैं साइड में आपको क्लिप लगवा दूंगी, इसमें आप ना सिक्स वॉच इजीली रख सकते हो। यहाँ पे आपको सिक्स रैक देखने को मिल जाएंगे और ये पूरा जो इन्होंने यूज़ किया है फैब्रिक, इसमें ये वुडन के ऊपर इन्होंने लेदर यूज़ किया है। ये मुझे लग रहा था प्लास्टिक में आएगा लेकिन ये ग्लास में आया है। कुछ ऐसे भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें ये पूरा जो है कंप्लीट लेदर में है, ये आपको ग्लास नहीं मिलेगा वहाँ पे। लेकिन मैं चाहती थी कुछ ऐसा पिक करूँ जिसमें प्रॉपर एक वॉच है जो शो भी हो, तो आप इजीली देख सकते हो कि किस बॉक्स में कौन सी वॉच रखी है। अगर आपके पास काफ़ी सारी मल्टीपल वॉच है तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। प्लस बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है और यहाँ पर आपको इस तरीके का लॉक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा वॉच ऑर्गेनाइजर ढूंढ रहे हैं तो अमेजोन पर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट अमेजोन से कलेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।